बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अन्नू रॉय आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर के छत्तीसगढ़ी भाषा भाग दो के प्रश्न पत्र में स्वागत करती हूं। अब तक मेरे द्वारा आपको हिंदी भाग एक और दो के साथ छत्तीसगढ़ी भाग एक के भी सभी प्रकार के शीर्षक से संबंधित प्रश्नों को हल करवाया गया है। आज के इस वीडियो में पिछले एफटीआर की तरह प्रश्न का दायरा और वीडियो का जो समय है वह ज़्यादा हो सकता है, इसलिए बोझिल मन से ना पढ़ें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है जिसमें हम विकारी और अविकारी शब्द के साथ छत्तीसगढ़ी की संधि और समास की भी चर्चा करेंगे, तो बगैर समय को गवाए क्यों ना हम यहाँ पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करें। तो आज के वीडियो में हम विकारी और अविकारी शब्द की चर्चा करेंगे। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिस तरह हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और छत्तीसगढ़ी भाषा में विकारी शब्द की बात करें, तो ऐसे शब्द जिसके प्रयोग में वचन, लिंग और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, कारक रचनाएं पढ़ती हैं, साथ में अव्यय की तरह क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम उठाते हैं संज्ञा से। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, और यह एक विकारी शब्द क्यों है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताने वाला शब्द कहलाती है हमारे लिए संज्ञा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। तो यदि किसी संस्कृत शब्द में रामः, मोहनः, कृष्णः कहें तो इंग्लिश में रामा, शिवा, कृष्णा, मोहना है, और हिंदी में वही राम, शिव, कृष्ण और मोहन है। छत्तीसगढ़ी में राम, सीओ, किशन और मोहन, कुल मिलाकर संज्ञा को छत्तीसगढ़ी में जीनिस कहते हैं या वस्तु कहते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न क्या पूछता है कि अर्पा पैरी के धार, महानदी है अपार, गीत की इस पंक्ति में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। छत्तीसगढ़ी में भी एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की जाति का बोध कुकुर, छेरी, मुसवा, ममा, कका, बुढ़वा, लईका, सियान कहता है, नदी, पर्वत, पहाड़ कहता है, ठीक है, चिरई कहता है, तो सब है हमारे लिए कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। यदि वह संज्ञा शब्द के गुण दोष की विशेषता रूप बताता है, यदि वह संज्ञा शब्द के गुण दोष या भाव संबंधी नाम का बोध कराता है तो उसे एक भाववाचक संज्ञा कहते हैं, करुणई, मूर्खई, सुघरई, ठीक है, इसी प्रकार दया, मया, मोह, माया, ये सब भाववाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक ही प्रकार का व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। इसमें स्थान आते हैं, दिशा आते हैं, नदी, पर्वत, पहाड़ के नाम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों के नाम, ग्रंथों के नाम, व्यक्ति के नाम, सभी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। साथ ही समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध हो। बर्दी, झुंड, बारात, इसी प्रकार बैठक, रैली, यदि झोत्था या घोल कहता है तो सब है हमारे लिए समूहवाचक संज्ञा। इन संज्ञा में एक और संज्ञा है जो है पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे मटेरियल नाउन कहेंगे, और वह मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसे तत्व जिसे नापा और तौला जा सके, जिसकी अवस्था तरल या ठोस हो, तो उसे राशिवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सोन, लोहा, तांबा, पीतल, चूर, दार, नून, तेल, बरी, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा है। अब मैंने संज्ञा के पांच प्रकार को छत्तीसगढ़ी में बताया। प्रश्न की ओर चलते हैं कि अर्पा पैरी के धार, महानदी है अपार, गीत की इस पंक्ति में कौन सी संज्ञा है? अब यहां पर अर्पा नदी, पैरी नदी और महानदी
तीन अलग अलग नदियों के नाम बताए गए हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो अरपा, पैरी और महानदी नदियों के नाम हैं, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट वन कहता है, मुसुआ जम्मू धान ला खराब कर दीस। कौन? मुसुआ। ठीक है, अब मुसुआ छत्तीसगढ़ी में चूहा को कहा जाता है। अब चूहा केवल एक ही नहीं है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। क्या यह भाववाचक संज्ञा है? चूंकि भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती जिसमें गुण दोष या भाव संबंधी बातों का बोध हो। मुसुआ समूह में होते जरूर हैं, परंतु मुसुआ एक जाति विशेष को कहा जा रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा का भी उदाहरण यह नहीं है। इसलिए मुसुआ जम्मू धान ला खराब कर दी इस वाक्य में हमारे लिए होगी ऑप्शन नंबर डी, कॉमन नाउन यानी कि जाति वाचक संज्ञा। पशु पक्षी, प्राणी के नाम, प्राकृतिक तत्व, पद, व्यवसाय ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न कहता है, कुहिरा के मारे आंखी करवात है, वाक्य में संज्ञा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी पदार्थवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आपको पता है, समूहवाचक पता है, भाववाचक पता है और पदार्थवाचक पता है। कुहिरा का मतलब होता है धुआं। छत्तीसगढ़ी में कुहिरा का मतलब होता है धुआं, और धुएं की वजह से आँख में कड़वाहट आना यह भाव को बताता है। इसलिए देखा जाए तो कुछ भाववाचक शब्द पहले से निर्धारित होते हैं, जैसे कि लईकई, बुधियई, सुघरई, मुरुखई, करुआई, इसी प्रकार दया, माया, मोह, ये सब हैं जो भाववाचक शब्द हैं। लेकिन कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनामिक शब्द में और क्रिया के शब्द में यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती। अब देखा जाए तो करु जो है वो छत्तीसगढ़ी में कड़वा विशेषण शब्द है, जिसमें आई प्रत्यय लगाकर करुआई बनाया जाता है। इसी तरह मुरुख से मुरुखाई बनाया जाता है। तो जब किसी संज्ञा शब्द की गुण दोष संबंधी भाव को बताया जाए तो वहां होती है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न कहता है, जम्मू गरुआ मन बर्दी के बर्दी किसन के धुन मुरली के धुन मा धुनी रमाय रहे, वाक्य में संज्ञा पहचान कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चूंकि प्राणियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में इसका आंसर जातिवाचक संज्ञा लेना गलत है। क्यों? क्योंकि जम्मू गरुआ मन कहता है बर्दी के बर्दी यानी कि सारे जानवर झुंड के झुंड, तो बारात, दल, गिरोह, टुकड़ी, सेना, जमघट, प्रदर्शन ऐसे शब्द छत्तीसगढ़ी में भी हमारे लिए समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जानवरों के समूह को कहा जाता है बर्दी। ठीक है, मनुष्य के समूह में भीड़ भी है, बारात भी है, प्रदर्शन भी है, रैली भी है। पक्षियों का समूह जो है वो वृंद कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह देखा जाए तो जम्मू गरुआ मन बर्दी के बर्दी किसन के मुरली के धुन मा धुनी रमाय रहे कहते हैं, तो यहाँ उदाहरण है हमारे लिए समूहवाचक संज्ञा का। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न जो है वह आपको सर्वनाम से पूछा गया है। संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि यही संज्ञा बदल जाता है सर्वनाम में। ठीक है, तो संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में भी हिंदी की तरह निश्चित सर्वनाम होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं,
पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं और निजवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी कि सर्वनाम की संख्या 6 मानी जाती है। सबसे पहले घीव मा कछो मिले हावय वाक्य में कौन सा सर्वनाम है कहते हैं, तो हम इन सर्वनाम को जानेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, यदि वो पास में है या दूर में है, उसकी निश्चितता का बोध हो तो वो निश्चित सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि एहर ओहर छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अनिश्चित सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर संबंध सूचक सर्वनाम भी होंगे, जहां संबंध सूचक के तौर पर एक सर्वनामिक शब्द का संबंध दूसरे सर्वनामिक शब्द से जोड़ा जाएगा, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले कोई सर्वनामिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो वो है निजवाचक सर्वनाम, और जिस सर्वनामिक शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गई चीजें? प्रश्न ने क्या कहा है? घीव मा कछु मिले हावय। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सर्वनाम के तौर पर कैसे प्रयोग करेंगे। निश्चित सर्वनाम में यदि पास में है तो एहर और दूर में है तो हम कहते हैं ओहर, ठीक है। अनिश्चित सर्वनाम के लिए हिंदी में कुछ और कोई कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ी में कुछ कहते हैं, कछु कहते हैं, कभी कभी कुछो कहते हैं, और साथ में कोई के बदले कोनों का प्रयोग किया जाता है। संबंध सूचक सर्वनाम में जे, जो, जौन का प्रयोग किया जाता है, जिसका संबंध ते, तो, तउन से जुड़ता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में फर्स्ट पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैहर या मेहर, सेकंड पर्सन के लिए हम कहते हैं तैहर या तेहर, ठीक है। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, रेस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ आप मन का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष, उसे हम एहर या ओहर के अलावा इनहर उनहर के नाम से भी पुकारते हैं। तो प्रश्न में यदि वो निजता का बोध कराए तो निजवाचक में आप स्वयं, खुद, स्वतः की तरह छत्तीसगढ़ी में हम खुद, स्वयं, सवांगे, अपन जैसे शब्द का, आपुस जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, और कौन, केकर ऐसे शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक के तौर पर करते हैं। घीव मा कछु मिले हावय, यानी कि घी में कुछ मिलावट है यदि कहता है तो क्या मिला है यह निश्चित नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। हमर खेत मा अब्बड़ धान होए हावय वाक्य में सर्वनामिक शब्द है। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष और ऑप्शन डी है निजवाचक। अब आपका दिमाग कहता है कि यहाँ वह अपनेपन का बोध करा रहा है इसलिए वह निजवाचक होना चाहिए, परंतु यहाँ निजवाचक में हमर का प्रयोग नहीं करता। मैं अगर वो कह रहा है तो हमर का प्रयोग निजवाचक के तौर पर वह नहीं करता, निजवाचक के तौर पर वह अपन कहता है, ठीक है। अपन खैल खादारिस और मोरोल मांगत है, इस तरह, ठीक है। स्वयं के बदले वह स्वयं का प्रयोग करता है, साथ में वह निजता के लिए खुद का प्रयोग करता है और सवांगे का प्रयोग निजवाचक के तौर पर करता है, तो यहाँ निजवाचक का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं। इन तीनों में से वह कौन है? वक्ता जो बात को कहता है वह है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है श्रोता जो बात को सुनता है, और अन्य पुरुष होते हैं विषय जिसके बारे में बात की जाती है। यहाँ वक्ता कह रहा है कि हमारे खेत में बहुत सारा धान हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न कहता है संबंध सूचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए ओहर, ऑप्शन बी सवांगे, ऑप्शन सी जॉन और ऑप्शन डी मैं।
ठीक है, जिस सर्वनाम में एक सर्वनामिक शब्द का संबंध दूसरे सर्वनामिक शब्द से जुड़े वहां होता है संबंध सूचक सर्वनाम। ओहर कहते ही किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, समांगी कहते वह अपनेपन का बोध कराता है, मैं कहकर वक्ता स्वयं के नाम के बदले प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी जॉन। तो जो सो जिसकी उसकी जैसी वैसी कहते हैं, वैसा ही छत्तीसगढ़ी में जे जो जौन ते तो तौन जैसे संबंध सूचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है तू मन आपुस मा काय गोठिया थो, वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है निश्चित सर्वनाम और ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप स्वयं खुद स्वतः के बदले यहाँ समांगे का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम हिंदी में जो कहते हैं कि आपस में क्या बातें हो रही है, तो छत्तीसगढ़ी में आपस के बदले आपुस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसलिए तू मन आपुस में काय गोठिया था वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन बी को लिखा जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विकारी होने का सबसे बड़ा कारण होता है वचन। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की एकता या उसकी बहुलता, संज्ञा और सर्वनाम के एक या उससे ज्यादा के होने का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहा जाता है। संस्कृत में यह वचन तीन प्रकार के हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में यह वचन दो प्रकार का है, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में। इसी तरह हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी केवल दो प्रकार के वचन पाए जाते हैं, एक संख्या का बोध कराने वाला एक वचन और एक से ज्यादा हो गए तो उन्हें बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है। वचन परिवर्तन के लिए कुछ उपसर्गों की तरह और कुछ शब्द प्रत्यय की तरह प्रयोग किए जाते हैं जिससे वचन रूपांतर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बहुरिया मन, ऑप्शन नंबर बी है जम्मो छेना, ऑप्शन नंबर सी है एक ठन पत्तो और ऑप्शन नंबर डी है लईकेच लईका। तो जिस तरह हिंदी में जन गण संघ वर्ग लोग इसका प्रयोग प्रत्यय के तौर पर किया जाता है और वह बहुवचन शब्द बना देता है, वैसे ही खूब ढेर बहुत ऐसा शब्द का प्रयोग हम उपसर्ग के तौर पर करते हैं। कभी कभी वर्ड्स का रिपीटेशन करके भी ही लगाकर हम वहाँ बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर उड़ीसा राज्य के संपर्क में आने से मने शब्द का प्रयोग हम हिंदी के लोग के लिए छत्तीसगढ़ ही में कहते हैं, इसलिए यदि वह एक वचन है मैं हर तो बहुवचन में हम मन से हमन बन जाता है, तुम मन से तुमन बन जाता है और ए हर से ए मन और ओ हर से ओ मन बन जाता है। जिस तरह हम हिंदी में सभी बच्चे कहते हैं, इस सब के लिए सब सबे सबो जम जमे जम्मू जैसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, जिस तरह हम हिंदी में बच्चे ही बच्चे कहते हैं तो एक बलवाची प्रत्यय का प्रयोग करके लईकेच लईका जैसे शब्द का प्रयोग भी बहुवचन को निर्माण करता है। तो देखा जाए तो बहुरिया मन भी बहुवचन में है, जम्मू छेना भी बहुवचन में है और लईकेच लईका भी बहुवचन में है, लेकिन एक ठन पत्तो कहता है तो यह हमारे लिए बहुवचन में नहीं बल्कि एक वचन में है और इसका प्रयोग पूर्णतः गलत है। एक ठन पत्तो नहीं कहेंगे क्योंकि ठक ठीक ठोक ठन जैसा शब्द हम किसी वस्तु विशेष में लगाते हैं, एक ठक दो ठक तीन ठन चार ठन पांच ठन, लेकिन अगर वो एक झन दो झन तीन झन कहता है तब वो उसका प्रयोग सही है। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न ने क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यह बहुवचन में नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। द्विवचन के प्रयोग हेतु छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त है, अब आपका दिमाग कहता है कि हिंदी की तरह छत्तीसगढ़ी में भी तो केवल दो ही वचन है जो है एक वचन और बहुवचन, द्विवचन का प्रश्न यहाँ आपको गलत लग रहा होगा। लेकिन क्या आपने हिंदी में सुना है एक जोड़ा दो जोड़ा, या आपने सुना है एक नग दो नग,
जो इंग्लिश में हम पेयर कहते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ ही के अंदर भी आपने सुना होगा जब आप भाजी या धनिया या कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो जोड़े में खरीदते हैं, तो जोड़ा के लिए हिंदी में युग्म और नग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ ही के अंदर भी यहाँ पर द्विवचन के लिए प्रयोग होने वाले शब्द में नग का प्रयोग किया जाता है क्या? हाँ, एक नग दो नग यानी एक नग बैला मतलब कि एक जोड़ा बैला भी कहते हैं, एक नग कमीज कहता है मतलब कि एक जोड़ा कमीज भी कहता है, साथ में जोड़ा या जूरी या जूड़ी के भी नाम से पुकारता है, जो दो के साथ में होता है उसे जावर कहते हैं, इसके अलावा जरोंधा भी कहते हैं, इसके अलावा जुड़वा भी कहते हैं। कुल मिलाकर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, कि द्विवचन के प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ी में एक नग दो नग भी कहते हैं, एक जोड़ा दो जोड़ा भी कहते हैं, जावर जोड़ी भी कहते हैं, जरोंधा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सभी। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हम शब्द के साथ जुड़ने वाला बहुवचन प्रत्यय शब्द है। अब एक वचन में है मैं, ठीक है, जिसका बहुवचन शब्द है हम, तो हिंदी में अगर वो एक वचन है तो मैं कहता है, बहुवचन में हम कहता है। हम अपने आप में बहुवचन शब्द होने के बावजूद हम हिंदी में यहाँ लोग लगाते हैं ना, कभी कभी हम सब लगाते हैं, हम लोग या हम सब कहते हैं, तुम लोग या तुम सब कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में हम शब्द के साथ जुड़ने वाला बहुवचन प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए है झन, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है पंच और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इस झन का प्रयोग संख्या को गिनने के लिए किया जाता है, किसका? देखिए, एक झन, दो झन, तीन झन कहता है, जो हिंदी के जन का अपभ्रंशित रूप है। जब हम कहते हैं ना बहुत जन आदमी आए थे, 10 जन बच्चे बैठे थे, तो संख्या जो गिना जा सकता है उस लोग के लिए जन का प्रयोग करते हैं, जिसका अपभ्रंशित रूप छत्तीसगढ़ी में झन होता है, ठीक है। तो हम झन शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी किया नहीं जाता, इस हम के साथ हम मन का प्रयोग करते हैं। तो आपका दिमाग कहता है कि हम मन, तो आपने निशान लगा दिया मन में, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के कुछ क्षेत्र विशेष में इस सर्वनामिक शब्द हम के साथ में इस लोग को संबोधित करने वाला एक और शब्द है पंच या पंचन, इसका प्रयोग लोग के अर्थ में किया जाता है। हम मन ओ घर मन नहीं रहन, तो कभी कभी कोई कहता है हम पंचमन के समाज में असना नहीं हो, तुम पंचन मन के मन में का है तिलत तू मन जानो कहता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि हम मन भी कहते हैं और हम पंच का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है गंज तथा झन का प्रयोग बहुवचन बनाने के किस रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यय उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी है उपसर्ग प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी है संधि समास और ऑप्शन नंबर डी है संधि और उपसर्ग। थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया कि कुछ उपसर्गों की तरह और कुछ प्रत्यय की तरह शब्द बहुवचन निर्माण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब हम गंज, खूब, अब्बड़ और बहुत का प्रयोग करते हैं, तो ये सारे शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम कहते हैं जैसे कि झन, जैसे कि मन, जैसे कि पंचन, ठीक है, जैसे कि पंच, इसी तरह हम मनन कहते हैं, ठीक है, कन कुन किन कहते हैं, ठक ठिक ठोक कहते हैं, तो सारे शब्द प्रत्यय की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा कहते हैं तो खूब कन, अब्बड़ कन, बहुत कन, गंज कन कहते हैं। तो प्रश्न ने क्या पूछा है कि गंज तथा झन का प्रयोग बहुवचन बनाने के किस रूप में प्रयोग किया होता है, तो गंज का प्रयोग जो है वो उपसर्ग की तरह किया जाता है और झन का प्रयोग है जो प्रत्यय की तरह किया जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ से संज्ञा, सर्वनाम और वचन के बारे में प्रश्न उठता है विशेषण से,
ठीक है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है। बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम है और उनकी संख्या बताने वाला वचन है। तो ये विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। यह विशेषण कितने प्रकार का होता है? चार लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के नाप तौल संबंधी, मात्रा संबंधी विशेषता बताने वाला है परिमाणवाचक विशेषण। यदि वो निश्चित मात्रा बताया तो निश्चित परिमाणवाचक, और मात्रा निश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। गाढ़ा, काठा, खंडी, पैली, कूरो, ठीक है, मीटर, लीटर, ये सब हमारे लिए निश्चित परिमाण है। अब्बड़, खूब, थोरकन, चिटिकन, रंचकन कहता है तो अनिश्चित परिमाण है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। दूसरा है संख्यावाची विशेषण। जब किसी संज्ञा शब्द की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए तो संख्यावाची विशेषण कहलाता है। अगर वह गिनती निश्चित है तो निश्चित संख्या, और गिनती निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्या। अगर कहता है एक कोरी, एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो ठन, तीन ठन, चार ठन, दस अक, बस, बीस अक, हजार, सैकड़ा कहता है तो संख्या निश्चित है। लेकिन अब्बड़ कन, खूब कन की तरह यदि वो अब्बड़ झन आदमी, बहुत झन मइनसे कहता है तो संख्या निश्चित नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है कि परिमाण नाप और तौल होता है, माप होता है, दूरी होता है, जबकि संख्या गिनती होती है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ जाता है जिसके माध्यम से उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है तो सर्वनामिक विशेषण के नाम से उसे पहचाना जाता है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? किसी भी संज्ञा शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, दिशा, स्थान, समय, अवस्था, हालात संबंधी गुण के भाव का बोध कराया जाए तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हरियर, लाली, पियर रंग है, गोलवा, चौकोर है ना, तिनकोनिया ये आकार प्रकार है, चिक्कन, लरम, मुलायम, लुजलुज, गुदरू, खसखस, ठसठस कहता है तो स्पर्श है, उत्ती, बुढ़ती, रक्सहु, भंडार, दिशा है, आजकल, नवा, जुन्ना, पुराना कहता है तो समय है, कायर, कपटी, बुधियार, चलाक कहता है तो व्यक्ति का गुण दोष है, महमहाना, बस्साना, अमटैन, बिसरैन कहता है तो वो हमारे लिए गंध है, ठीक है। इसी के अतिरिक्त यदि वो कहता है सुख दुख, अमीर गरीब, रोगहा, बीमरहा, घीवहा, तेलहा कहता है तो हमारे लिए वो उसकी अवस्था और हालात है, ठीक है। इस तरह अगर हम एक सर्वनामिक शब्द की और बात करें जहां गुण दोष में तुलना के माध्यम से विशेषता बताई जाए तो उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें कि विशेषण क्या होते हैं। प्रश्न कहता है सूरज हा उत्ती मा निकल के बुढ़ती मा जाके बुढ़ जाते, किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाची विशेषण, ऑप्शन सी है सर्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। देखा जाए तो परिमाण नाप तौल है, संख्या गिनती है और सर्वनामिक विशेषता अलग है, इसलिए इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि सूरज का उत्ती यानी कि पूर्व दिशा में निकलना और बुढ़ती पश्चिम दिशा में जाकर बुढ़ जाना तो दिशा संबंधी गुण बताने की वजह से यह आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कोरी रुपया मा आज कछु नहीं मिले, वाक्य में विशेषण बताइए, ठीक है। एक कोरी कह रहा है, एक कोरी यानी कि जिसे हम गिन सके, कोरी मतलब 20 का जो समूह होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में 20 के समूह को कोरी कहते हैं। अब एक कोरी कहा मतलब कि वो हमारे लिए 20 हो गया। अब अगर वो दो कोरी कहता तब वो हमारे लिए 40 हो जाता। इसी तरह पांच कोरी कहता है तो वो हमारे लिए 100 हो जाते। सैकड़ा कहता है तो 100 का समूह है। दुन्नों, तीनों, चारों कहता है तो व्यक्तियों का समूह है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कोरी रुपया मां आज कुछ नहीं मिले कहता है तो यह हमारे लिए संख्या वाची विशेषण का आंसर है। लेकिन
ऑप्शन ए में तो दिया है संख्यावाची विशेषण, जो क्लियर करता है कि यह संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। परंतु देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब नाप तौल है, इसलिए चूंकि गिनती कोरी 20 की संख्या है तो परिमाणवाचक तो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को तो देखिए, यहां दिया है निश्चित संख्यावाची विशेषण, और वो क्या होते हैं, जब संख्या निश्चित हो। यहां कोरी का मतलब होता है 20, ठीक है, कोरी का मतलब होता है 20, और इसने निश्चित संख्या बताई है, कितना कोरी, एक कोरी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर है और ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर है। तो इस 14 का आंसर हम क्या लेंगे, 14 का आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी दोनों हमारे लिए एक कोरी रुपया मां आज कछु ने मिले में विशेषण के तौर पर संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची का उदाहरण है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ऐसन लईका हमन कभू नहीं देखेन, वाक्य में विशेषण बताइए। ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी है तुलनात्मक विशेषण। सारे विशेषण मैंने एक्सप्लेन किए हैं और मैंने बताया था जब किसी जातिवाचक संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ जाता है जिसके द्वारा उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होता है। तो यह से बन जाता है ऐसा, वह से बन जाता है वैसा, ठीक है, जो से बन जाता है जैसा, ठीक है, और इसी तरह ऐसा वैसा जैसा तैसा कहते हैं कि यह लड़का है। यह एक सामान्य सा हमारे लिए उदाहरण है किसका, यह लड़का है कह देने से, यह है हमारे लिए सर्वनामिक शब्द में निश्चित सर्वनाम, ठीक है। लेकिन ऐसा लड़का कह देने से उस लड़के की विशेषता बता देता है, इसलिए ऐसन लईका हमन कभू नहीं देखेन कहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वनामिक विशेषण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अंधकार हेतु प्रविशेषण के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है जुलुम, ऑप्शन नंबर बी है घात, ऑप्शन नंबर सी है कुलुप, और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। अब्बड़, निचट, बहुत, खूब, ये छत्तीसगढ़ी के प्रविशेषण शब्द हैं। हिंदी में हम अत्यंत, अतीव, बहुत, बड़ा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में भी किया जाता है। कभी कभी कुछ रंगों को विशेषण के तौर पर और विशेषता बताने के लिए, जैसे करिया में बिरबिट करिया कहते हैं, गोरिया में फक गोरिया कहते हैं, ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में अंधियार शब्द के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो अंधकार है तो प्रविशेषण के रूप में हम जुलुम का भी प्रयोग करते हैं और कुलुप का भी प्रयोग करते हैं। कुलुप अंधियार है, जुलुम अंधियार है, इसका इस्तेमाल होता है। तो 16 का आंसर क्या लिया जाएगा, 16 का आंसर लिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। अब है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ओकर बात ला सुन के मोर करेजा मां दुख भरगे, वाक्य में क्रिया बताइए, ठीक है। अब यहां से प्रश्न आपके क्रिया से बनते हैं। शब्द का वो रूप जिससे किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कही जाती है। किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है कर्ता, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है उसका कर्म, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है वो है सकर्मक क्रिया, और कर्म नहीं पाया जाता वो है अकर्मक क्रिया। कर्ता से संबंधित जवाब वाले उदाहरण है अकर्मक क्रिया के, और कर्म से संबंधित जवाब वाले उदाहरण है सकर्मक क्रिया के, ये कर्म के आधार पर है। अगली बात, काल के आधार पर वर्तमानकालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रिया होती है, लेकिन रचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है, जो ऑप्शन में दिया है उसको ही एक्सप्लेन करते हैं कि ओकर बातला सुन के मोर करेजा मां दुख भरगे, वाक्य में क्रिया बताइए। तो सबसे पहले हम आते हैं सामान्य क्रिया।
सामान्य क्रिया सकर्मक और अकर्मक वाला ऐसा वाक्य होता है जहां पर कर्ता के द्वारा सामान्य तौर पर किसी भी कार्य का करना या उसका होना पाया जाता है। दूसरा, नाम धातु क्रिया क्या होती है? जहां संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्द में कुछ प्रत्यय लगाकर यदि उसे क्रिया का स्वरूप दे दिया जाए तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के धातु शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया क्या होती है? जहां दो क्रियाओं को पूर्णता अपूर्णता या विशेष प्रभाव के लिए जोड़कर बनाया जाता है उसे यौगिक या संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे को कार्य हेतु प्रेरित करता है तो वहां होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। जब कर्ता किसी आवाज या ध्वनि को नकल पर क्रिया का रूप दे देती है तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन जब कर्ता किसी कार्य को पूरा कर लेने के पश्चात उसी समय दूसरे कार्य को करने में जुट जाता है तो उस कर्ता के द्वारा जो कार्य पहले कर लिया गया है वही उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है क्रिया के मूल धातु शब्द के साथ में कर शब्द का जुड़ना, जैसे कि सुनकर, जैसे कि पढ़कर, ठीक है। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में भी ओकर बातला सुन के मोर करेज मत दुख भरगे कहता है, तो पहले उसने उसकी बात को सुना उसके पश्चात उसके दिल में दर्द हुआ। तो कुल मिलाकर कर्ता पहले एक कार्य को पूरा करता है मतलब सुनता है, उसके बाद दूसरे कार्य को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो ओकर बातला सुन के कहते, तो हम इसको पहचाने की कैसे छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में जिस तरह कर जुड़ा है ना, छत्तीसगढ़ी में इस कर के बदले के का प्रयोग करता है। जा कर कहते हैं तो जाके, उठ कर कहते हैं तो उठ के, बैठ कर कहते हैं तो बैठ के, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। लइका खाना खावत है वाक्य में क्रिया पहचानिए। सामान्य क्रिया, यौगिक क्रिया, सजातीय क्रिया और नाम धातु क्रिया। यहाँ आपको एक नई क्रिया का नाम सुनाई दिया जो है सजातीय क्रिया। तो लइका खाना खावत है सजातीय क्रिया का उदाहरण है। अब यह सजातीय क्रिया क्या होती है? एक ही क्रिया का क्रमशः प्रयोग करना, जैसे खाना खाना, गाना गाना, ठीक है। इसी तरह कहते हैं ले लेना, ये सारी जो क्रियाएं होती है वह सजातीय क्रिया होती है, ठीक है। मोहन गाना गाता है या मोहन ने गाना गाया कहें, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां हम एक ही क्रिया को दो बार रिपीट करके उसके अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, जैसे बच्चे ने खाना खाया, ठीक है ना, मोहन ने गाना गाया कहते हैं, तो गाना शब्द का एक साथ प्रयोग होना, खाना शब्द का एक साथ प्रयोग होना सजातीय क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झमाझम पानी गिरत है, झमाझम पानी गिरत है, इस वाक्य में क्रिया पहचानिए। ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है अनुकरणात्मक क्रिया, ऑप्शन सी है सामान्य क्रिया और ऑप्शन डी है यौगिक क्रिया। तो जब किसी आवाज या ध्वनि की नकल पर क्रिया का रूप बनता है तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। खटखटाना, गड़गड़ाना, बटबटाना, भटभटाना कहते हैं। तो झम झम से अगर बारिश में हवा और तूफान के साथ बारिश हो रही है तो एक शब्द का रिपीटेशन कर दिया जो झम झम की ध्वनि थी। तो झमाझम पानी गिरत है, कोनो दरवाजा खटखटात है, बिंद्रा दांत किटकिटात है कहता है, तो सभी हमारे लिए अनुकरणात्मक क्रिया है। तो झमाझम पानी गिरत है में ऑप्शन नंबर बी अनुकरणात्मक क्रिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। आप मन आत जात रही हो, प्रश्न कहता है आप मन आत जात रही हो वाक्य में क्रिया पहचानिए। क्या वो सामान्य क्रिया है, क्या वो यौगिक क्रिया है, क्या वो नाम धातु क्रिया है या वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जब किसी वाक्य की पूर्णता अपूर्णता देने के लिए या वाक्य को विशेष प्रभावी बनाने के लिए दो क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो उसे संयुक्त या यौगिक क्रिया कहा जाता है। इसमें देखिए आत जात रही हूँ कहता है, तो जाते रहना,
पढ़ते रहना, चल दिया, ले लिया, खा चुका, कर डाला, जा सका, ये सभी हमारे लिए यौगिक क्रिया है। छत्तीसगढ़ी में भी लियो, दियो, गयो, चुकेओ, पायो, सकेओ जैसे शब्द का प्रयोग सहायक के तौर पर किया जाता है। तो पहले प्रयोग होने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं, बाद में प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वर्तमान काल की सहायक क्रिया है, हूँ, हो होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में हौ, हस और है होता है। भूतकाल के लिए जिस तरह था, थे, थी होता है, छत्तीसगढ़ी में भी एव, एस और इस होता है। भविष्यकाल के जैसे गा, गे, गी होता है, तो छत्तीसगढ़ी में भी हूँ, बे और ही जैसे एक प्रत्यय का प्रयोग सहायक के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ने क्या कहा है, आप मन घर आत जात रही हो, यानी कि आप लोग घर आते जाते रहिएगा। तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर बी यौगिक क्रिया का उदाहरण है। तो जैसे हम हिंदी में चुका कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में चुकेऊ, लिया का लियो, डाला का डरेऊ, चाहिए का चाही, पाया को पायो, लगा को लगेओ, ऐसे शब्द का प्रयोग जो है वो यौगिक क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 21। अब यहां से आपके लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन के शुरू होते हैं आपके क्रिया के साथ में कि भविष्यकाल की सहायक क्रिया पहचानिए। अभी मैंने बताया भविष्यकाल यानी कि जहाँ पर सहायता के तौर पर भविष्यकाल में हिंदी में गा, गे, गी जुड़ता है, तो छत्तीसगढ़ी में भविष्यकाल की सहायक क्रिया के तौर पर किसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गा, ऑप्शन नंबर बी है एव, ऑप्शन नंबर सी है हु और ऑप्शन नंबर डी है हूँ। ठीक है, मैंने अभी बताया कि हिंदी में प्रयोग होता है गा का, मैं जाऊंगा पुरलिंग के लिए, करेऊ, गएऊ, लिखेऊ, देहेऊ ये भूतकाल की सहायक क्रिया है, आहू जाहू कहता है तो मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यदि चंद्र बिंदु लगाकर जाहू, खाहू, करहू, बताहू कहता है तो भविष्यकाल के तौर पर इस ऑप्शन नंबर डी हूं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो आप मन जाहू, खाहू मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है, लेकिन जाहू, खाहू चंद्र बिंदु वाले उच्चारण है तो भविष्यकाल की सहायक क्रिया के तौर पर ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ददा अभी खेत डहर गईस हावे वाक्य में किस काल का उदाहरण है। अब यहाँ से संज्ञा नाम थे, बदले में सर्वनाम, संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताई विशेषण ने, उनके द्वारा की जाती थी क्रिया। ठीक है, अब यहां से प्रश्न हो रहा है हमारे लिए काल के तौर पर। ठीक है, ददा अभी खेत डहर गईस हावे इसमें कौन सा काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन डी है अपूर्ण भूतकाल। तो किसी भी कार्य के करने या उसके होने के समय का बोध कराने वाला शब्द काल कहलाता है। जो चल रहा है उसे सतत बेरा यानी कि वर्तमान काल कहते हैं, जो बीत चुका है उसे पश्चिम बेरा भूतकाल कहते हैं और आने वाले समय में कार्य का सूचक जो है वो आगम बेरा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ सारे ऑप्शन आपको भूतकाल के दिए हुए हैं। तो सामान्य भूतकाल वो होता है जहाँ कार्य की सामान्य समय पर बोध पूर्णता का बोध हो, पूर्ण भूत वो होता है ना पूर्ण काल के कार्य की पूर्णता का बोध हो, अपूर्ण भूत वह काल है जहाँ कार्य की पूर्णता का बोध ना हो, लेकिन आसन्न का मतलब होता है करीब, पास, नजदीक यानी कि थोड़े ही समय पहले। इसकी सबसे बड़ी पहचान है अभी, ददा अभी खेत डहर गईस हावे मतलब पिताजी अभी खेत की तरफ गए हैं, कार्य की पूर्णता है तो पूर्ण भूतकाल होना चाहिए, लेकिन यह पूर्ण भूतकाल ना होकर आसन्न भूतकाल होगा क्योंकि थोड़े ही समय पहले यदि कार्य की पूर्णता का बोध हो तो उसे इमीडिएट पास्ट टेंस यानी कि आसन्न भूतकाल कहा जाता है। इसलिए 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा आसन्न भूतकाल। अब है अगला प्रश्न, तू मन खेत खेलत हावो, अगला प्रश्न है तू मन खेल खेलत हावो वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण सातत्य वर्तमान।
जो सामान्य तौर पर किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। वर्तमान में कार्य की पूर्णता हो तो पूर्ण वर्तमान, जहां अपूर्णता हो अपूर्ण वर्तमान, और जहां पूर्णता न होकर वह कार्य अभी भी प्रवाह में है, जहां समय का बोध हो तो पूर्ण सातत्य वर्तमान काल होता है। तो तू मन खेल खेलत हावव कहता है, यह कौन सा काल का उदाहरण है? तो यह है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान। क्योंकि यदि क्रिया के मूल धातु में त जुड़ गया, ठीक है, तो खेलत लिखत पढ़त, और सहायक क्रिया के तौर पर हाओ हावो या हावव जैसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तैं खेलत हस कहता है, यानी कि तुम खेलते हो, मैं खेलत हाँ कहता है तो मैं खेलता हूँ, लेकिन यदि मैं खेलत हावव कहता है तो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होता है। तो हावव कहता है तो यह हमारे लिए अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है कि मैं खेल रहा हूँ या तुम खेल खेल रहे हो, यानी कि अपूर्ण वर्तमान का ये उदाहरण हुआ। तो इसकी पहचान मैंने बता दी कि यदि वो खेलत हावव कहता है, ठीक है, खेलत हावस कहता है, खेलत हावे कहता है तो अपूर्णता है, ठीक है, खेल चुके हों कहता है मतलब कि वो पूर्णता है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। पढ़त हस का अर्थ है, पढ़त हस का अर्थ है, ऑप्शन ए पढ़ता है, ऑप्शन बी पढ़ेगा, ऑप्शन सी पढ़ूंगा, और ऑप्शन डी पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि वर्तमान काल की सहायक क्रिया के तौर पर हम एक वचन के लिए हाँ का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष के लिए हस का प्रयोग करते हैं, और अन्य पुरुष के लिए हे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं हर पढ़त हाँ यानी मैं पढ़ता हूँ, तय हर पढ़त हस यानी कि तुम पढ़ते हो, ठीक है। वह पढ़ता है तो ओ हर पढ़त हे का प्रयोग किया जाएगा। तो पढ़त हस यानी कि पढ़ते हो मध्यम पुरुष एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए पढ़त हस का अर्थ है पढ़ते हो। लेकिन यदि पढ़ता है कहते तो पढ़त हे हो जाते, पढ़ ही कहते तो वह हमारे लिए पढ़ेगा हो जाता, और पढ़ूं कहता तब हमारे लिए वह बन जाता आपका पढ़ूंगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई चीजें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ते हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछता है वाच्य से संबंधित, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यह वाच्य क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार करने वाली होती है क्रिया, जिसको करने वाला व्यक्ति विशेष होता है कर्ता। यदि किसी वाक्य की क्रिया का मुख्य विषय का बोध किसी के द्वारा हो तो वह कहलाता है वाच्य। अर्थात वाक्य में क्रिया के विषय का बोध कराने वाले शब्द को या तत्व को वाच्य कहा जाता है। यह वाच्य मुख्य तौर पर तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के वचन, पुरुष और लिंग के अनुसार हो, चाहे वह सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया हो, तो ऐसा वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। लेकिन जिस वाक्य की क्रिया कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म के अनुसार हो, अर्थात कर्ता के तुरंत बाद से और के द्वारा आ जाए और क्रिया कर्म के अनुसार हो जाए, जो हमेशा सकर्मक क्रिया वाले में होंगे, तो वह कर्मवाच्य कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कर्ता और क्रिया वाला वाक्य नहीं बल्कि अकर्मक क्रिया वाला ऐसा वाक्य जहां कर्ता और कर्म नहीं भाव के अनुसार क्रिया का विषय हो, तो वहां भाववाच्य होता है। प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है रोटी राधा ले खाए जाते, रोटी राधा ले खाए जाते वाक्य में कौन सा वाच्य है? हिंदी में परिवर्तन करके देखा जाए तो रोटी राधा के द्वारा खाई जाती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी में एक चीज मैंने पहले बताई कि संस्कृत और अंग्रेजी की तरह छत्तीसगढ़ी में क्रिया वचन के अनुसार तो बदल जाएगी, पुरुष के अनुसार बदल जाएगी, परंतु लिंग के अनुसार क्रिया बदलती नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में हिंदी के से और के द्वारा के बदले
छत्तीसगढ़ी में हम ले और से का प्रयोग करते हैं। रोटी राधा से खाए जाते भी कह सकते हैं, रोटी राधा ले खाए जाते भी कह सकते हैं। तो रोटी राधा के द्वारा खाई जाती है। सो आंसर नंबर ऑप्शन बी कर्म वाच्य का ये उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न उठाया है कारक से। कारक रचना क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित हो वहां होती है कारक रचना। जिस चिन्ह के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है उस चिन्ह को कहते हैं कारक चिन्ह। संस्कृत में इसे विभक्ति कहा जाता है, जो तीन प्रकार के पुरुष, तीन प्रकार के वचन और तीन प्रकार के लिंग के आधार पर शब्दों के साथ जुड़कर एक रूप प्रयोग करता है और वह संस्कृत में शब्द रूप कहलाता है। अकारांत, इकारांत, उकारांत जैसे शब्द रूप हमने बचपन में पढ़े हैं, जिसने हमें बड़ा सताया है। ठीक है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ी और हिंदी की बात की जाए तो यहाँ कारक विभक्ति नहीं बल्कि कारक चिन्ह के प्रयोग से वाक्य को स्पष्टीकरण जो है वो दिया जाता है। यह कर्ता जो किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसका संज्ञा के अनुसार नाम होता है, जो बदले में सर्वनामिक शब्द को इस्तेमाल करता है, जिसके स्त्रीलिंग या पुरलिंग पहचान होती है, जो या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होता है। इस कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कर्म है उसका कार्य का फल का आश्रय। किसी कार्य को करने का साधन और माध्यम है करण। अगर वह किसी कार्य को किसी को समर्पित कर दे तो वो है हमारे लिए संप्रदान। डर भय तुलना से यदि कर्ता से वह कार्य पृथक हो जाए तो वहां होता है अपादान। जब कर्ता और क्रिया का संबंध बताया जाए तो होता है संबंध कारक। कार्य का स्थान निर्धारण करता है अधिकरण कारक। और इस कर्ता को पुकारने के लिए जिस संबोधित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हमारे लिए संबोधन। यानी कि कर्ता को सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्टिव, करण को इक्विपमेंटिव या इंस्ट्रूमेंटिव कहते हैं, संप्रदान को डेटिव कहते हैं, अपादान को एब्लेटिव कहते हैं, संबंध को जेनेटिव, अधिकरण को लोकेटिव और संबोधन को वोकेटिव कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। अब यहाँ पर बिलई हर कुकुर ल डरा के भाग के कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा आंसर? तो जहां पर कर्ता और क्रिया पृथक हो जाते हैं वहां होता है अपादान कारक। ठीक है, बिलई हर कुकुर ल डरा के मतलब बिल्ली कुत्ते को डरकर, कुत्ते से डरकर भाग गई कहते हैं। यहाँ होता है ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा है संबंध कारक हेतु प्रयुक्त चिन्ह है। संबंध कारक के लिए हम कौन सी कारक विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है के, ऑप्शन बी है बर, ऑप्शन सी है कर, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो छत्तीसगढ़ी में कर्ता हर, करम ला, करण ले, से, संप्रदान बर, खातिर, अपादान ले और से कहता है। और इसी प्रकार संबंध में हम के और कर दोनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी ए और सी दोनों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तोर मोर मां कोनो फर्क नहीं है, वाक्य में कारक पहचानिए। कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। तो छत्तीसगढ़ में अधिकरण के लिए जो हिंदी में मे और पर प्रयोग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में माँ, मेर, करा या ऊपर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मोर माँ कोई दोष नहीं है मतलब तोर मोर माँ कोनो फर्क नहीं है कहता है, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या पूछता है? अगला प्रश्न कहता है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ओ मनला आमा के टुकनी ला दे देवा, वाक्य में कारक बताइए। ऑप्शन नंबर ए है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन नंबर डी है अपादान कारक। तो ओ मनला आमा के टुकनी ला दे देवा कहते हैं, तो जहां पर किसी को कर्ता के द्वारा समर्पित किया जाता है कोई वस्तु या कोई तत्व, तो वहां संप्रदान कारक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर
जो है वह लिंग से संबंधित शब्द पूछा गया है, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम के स्त्री या पुरुष के होने का बोध कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में मुख्य तौर पर दो प्रकार के लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। परंतु किसी पद व्यवसाय का प्रयोग यदि पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है तो उसे उभय लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा भी हिंदी की तरह तीन प्रकार के लिंग का प्रयोग करता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक होता है उभयलिंग। स्त्री जाति का बोध स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध पुल्लिंग है। लेकिन कोई पद व्यवसाय की तरह यदि कोई नाम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होते हैं तो छत्तीसगढ़ी में भी उसे उभयलिंग कहा जाता है। साथ में हिंदी की तरह लिंग परिवर्तन के लिए स्त्री प्रत्यय के प्रयोग छत्तीसगढ़ी में भी किए जाते हैं। कुछ अलंकृत शब्द होते हैं जिससे हम प्राकृतिक तत्व को स्त्री सूचक उपाधि से विभूषित करते हैं। उसी से संबंधित प्रश्न है कि अलंकारिक स्त्री सूचक शब्द है देवी, रानी, दाई या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है सभी। जल देवी, वन देवी, बरखा रानी, रात रानी, भुइयां दाई अगर कहते हैं तो अलंकृत तौर पर हम प्राकृतिक तत्वों को स्त्री सूचक संबोधित करने के लिए इन अलंकारिक सभी प्रत्ययों का प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग के तौर पर करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है सहनाम शब्द का लिंग पहचानिए। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग और ऑप्शन डी है नपुंसकलिंग। छत्तीसगढ़ में एक ही नाम के दो शख्सियत अपने को एक दूसरे के नाम से न पुकार कर सहनाव शब्द का प्रयोग करते हैं। वह स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी। किसी दो लड़की का नाम गीता भी हो सकता है तो दो पुरुष का नाम राम कुमार भी हो सकता है। इसलिए सहनाव शब्द है ऑप्शन नंबर सी उभय लिंग की श्रेणी में। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन ए हथिनी, ऑप्शन बी हाथीनी, ऑप्शन सी हाथीन और ऑप्शन डी हथनीन। तो मैंने बताया कि कुछ प्रत्यय शब्द लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो जिस शब्द का अंत ई से या ईया से होता है, ध्यान से समझेंगे कि जिस शब्द का लास्ट साउंडिंग वर्ड यदि ई या ईया है तो उसमें हम नीन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई हाथी से होगा हथनीन, पटवारी से पटवरनीन, ठीक है। इसी तरह ओड़िया से ओड़नीन, कोचिया से कोचनीन होता है, नाती से नतनीन होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में और वो क्या पूछता है? 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है मराठी का स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु स्त्री प्रत्यय कौन सा प्रयोग होगा? ऑप्शन ए नीन, ऑप्शन बी आइन, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन डी नी। अभी आपने देखा जिस शब्द का अंत ई या ईया से हुआ वहां नीन प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन है। जिस शब्द का अंत अ से या ई से हो, ठीक है, जिस शब्द का अंत अ और ई से हो लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति का जाति है, किसी व्यक्ति की पहचान है, ठीक है, किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता है, ठीक है, तो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, पहचान या वो किसी अंग्रेजी पद का नाम है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसलिए मराठी से मराठीन, इसी प्रकार तेली से तेलीन, किसान से किसानीन हो जाता है। और इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ शब्द में यदि वह सोनार कहता है तो सोनारीन हो जाता है, लोहार कहता है तो लोहारीन हो जाता है, ठीक है। तो जिस शब्द के अंत में अ और ई है लेकिन वो किस व्यक्ति की जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, पहचान या अंग्रेजी पद, जैसे मास्टर है तो मास्टरिन, डॉक्टर है तो डॉक्टरिन बनेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 34 नंबर का। अब यहाँ अगला प्रश्न पूछा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय शब्द से शब्द का वो रूप जिसमें वचन और लिंग के अनुसार किसी प्रकार का विकार या रूपांतर उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, जो चार प्रकार के हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, क्रिया और कर्ता का संबंध बताने वाला संबंध बोधक, वाक्यांशों या शब्द पदों को जोड़ने वाला संयोजक और वक्ता के विस्मय संबंधी बातों को बताने वाला विस्मयादि बोधक।
प्रश्न कहता है समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है दुबछर, ऑप्शन बी है चौमास, ऑप्शन सी है पर्याय और ऑप्शन डी है अंते। अर्थात देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताया जाए तो उसे समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब, तब, जब, कब, सदा, हमेशा, नित, प्रति, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिपल कहता है, सब वो दिन कहता है, संझा, बिहनिया, मंझनिया कहता है, तो सब अकॉर्डिंग टू टाइम है। इसी तरह दो बछर कहता है मतलब कि दो वर्ष, चौमास कहता है तो चार महीने का समूह, परियार मतलब पिछला तीसरा वर्ष, एसो या आसो इस वर्ष को कहते हैं, पौर साल पिछले वर्ष को कहते हैं और परियार साल उसके तीसरे पिछले वर्ष को कहते हैं। लेकिन अंते जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है जहां समय के नहीं बल्कि स्थान की विशेषता बताई जाए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अंते समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, तय हर ए बात ला समारू ला खचित बता देबे, तय हर ए बात ला समारू ला खचित बता देबे, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है। प्रश्न को समझिए कि तय हर ए बात ला समारू ला खचित बता देबे, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है कहता है। ऑप्शन नंबर ए है समय सूचक, ऑप्शन नंबर बी है स्थान सूचक, ऑप्शन नंबर सी है रीति सूचक और ऑप्शन डी है परिमाण सूचक। ठीक है, समय सूचक क्रिया विशेषण मैंने समझा दिया। जब किसी क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताया जाए, आगू, पाछू, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं यदि कहते हैं, डेरी, जीवनी कहते हैं, लट्ठा, दूरिहा, कगरा, समीप, नजीक कहते हैं, एती, ओती, जेती, तेती, अंते कहते हैं, तो सब हमारे लिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऐसन, वैसन, जैसन, तैसन, थोर अगर कहता है, खचित कहता है, निश्चित कहता है, अगर हब के कहता है, हलू हलू, यदि वो कहता है तत्काल, फौरन, चट ले, फट ले, हब ले कहता है, सिक सिक ले कहता है, इसी प्रकार टिप टिप ले कहता है, छलकत ले कहता है, तो सब हमारे लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण होंगे। लेकिन यदि वो अतका, उत्का, जतका, ततका, थोरकन, अब्बर, निचट, खूब, बहुत, गंज कहता है, तब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। प्रश्न ने क्या कहा है, तय हरे बात ला समारू ला खचित बता दे, यानी कि निश्चित तौर पर बता देना, बताना है पर कैसे बताना है, निश्चित, और बिताना निश्चित है मतलब कि तरीका है, तो किसी भी कार्य के करने का ढंग, तरीका या कायदा बताएं तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे तय हरे बात ला समारू ला खचित बता देवे कहता है, तो यह रीति सूचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 36, ओतके खा जतके पचा सक, वाक्य में क्रिया विशेषण पहचानिए। अभी मैंने बताया जब किसी कार्य की विशेषता उसकी मात्रा के आधार पर बताई जाए, परिमाण के आधार पर बताई जाए, तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। अतका, उतका, जतका, ततका कहते ही यह हमारे लिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बनता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, तोला कहे रहे हो औ तय नहीं माने तभ्य ऐसने होइस, वाक्य में अव्यय है, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, तोला कहे रहे हो मतलब तुमसे कहा था, औ तय नहीं माने मतलब और तुमने नहीं माना, तभ्य ऐसने होइस तभी तो ऐसा हुआ। कुल मिलाकर यहाँ पर एक वाक्य है जिसे संयोजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। जब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से सूचित होता है तब वहां पर संबंध बोधक होगा। ठीक है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद आकर यदि कोई क्रिया विशेषण का शब्द वहां पर संबंध जोड़ता है तो संबंध सूचक होगा। जैसे आगू, पाछू, ऊपर, नीचे, स्थान है, लेकिन दई के आगू, रुख के तरी, तरिया, खाल है कहता है, तब वो संबंध सूचक हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण है। जब किसी वक्ता के विस्मय
या भावनाओं संबंधी बातों का बोध हो, हर्ष, दया, घृणा, उन्माद, खुशी, तब वो विस्मयादि बोधक है। लेकिन जब दो शब्द पदों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम किया जाता है वहां संयोजक अव्यय होते हैं। हिंदी में और के बदले छत्तीसगढ़ी में औ या और का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर चाहे का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर भलुक का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर नैते का भी प्रयोग करते हैं। तभी तो ऐसा हुआ कहते हैं, तो तभ्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तोला कहे रहे औ तय नहीं माने तभ्य ऐसने होइस, हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी संयोजक अव्यय का उदाहरण है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 38। महिलाएं आपस में स्नेह सूचक शब्द है तो प्रयोग करती हैं, ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी या, ऑप्शन नंबर सी गोई, और ऑप्शन नंबर डी है लगभग सभी। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संबोधन करने के लिए महाराष्ट्र से प्रभावित गो का प्रयोग, जो ग का प्रयोग उभयलिंग के लिए किया जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ ही में उस ग का प्रयोग स्पेशली पुरुष वर्ग के लिए किया जाता है। कस ग किसान, चल ग खेले जाबो, इसी प्रकार सुन तो ग थोकन, ये पुरुषों के लिए संबोधन वाले शब्द होते हैं। दो वयस्क पुरुष एक दूसरे को संबोधित करने के लिए ग का प्रयोग करते हैं। उभय लिंग के तौर पर रे का प्रयोग, छोटे बच्चे या बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, रे का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी यह दोहे में भी सुनाई देता है जब राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा तिरस्कृत रूप में भी इस रे का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसने संबंध के लिए छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विवाह के पश्चात जी हो ऐसे शब्द का प्रयोग भी उभय लिंग के तौर पर किया जाता है। ह हो समधी, कस जी समधी, ह जी भांचा, ह जी नूनी, ह जी भांटो, ऐसे शब्द का प्रयोग जो है वो उभय लिंग के तौर पर किया जाता है। परंतु महिलाओं को संबोधित करने के लिए यहाँ सबसे प्रसिद्ध यदि कोई तत्व है तो वो है ओ। महिलाएं को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ी में हम ओ का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लड़की हो, आ तो नूनी थोकन पानी लान तो बेटी, अगर कहता है कस ओ नूनी कब आए हस, हा ओ काकी, तो ओ का प्रयोग स्त्री सूचक के लिए किया जाता है। लेकिन जब महिलाएं आपस में बात करती हैं तो वह किसका प्रयोग करती हैं, तो महिलाएं आपस में बात करते समय ओ का भी प्रयोग करती हैं। रायपुर जैसे क्षेत्र विशेष में या का भी प्रयोग करते हैं और स्नेह के तौर पर गोई का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, चल वो थोकन बाजार ले आबो, ये भी कहेंगे, तो बूता काम होगी का या, ये भी कहेंगे, और छी गोई ने कैसे गोठिया था, इसका भी प्रयोग करते। इसलिए 38 का आंसर होगा लगभग सभी का प्रयोग स्नेह के तौर पर महिलाएं एक दूसरे को संबोधित करने के लिए करती हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न यहां बनता है आपके लिए संधि से। जब CGPSC के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया तो विशेष तौर पर इसे वहां उल्लेखित किया गया कि अब छत्तीसगढ़ी में भी संधि का इस्तेमाल किया जाएगा। माना कि छत्तीसगढ़ी में हिंदी की तरह कोई भी संधि नहीं होती, संस्कृत की होने वाली संधि के शब्दों का हम तत्सम रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए संस्कृत के स्वर व्यंजन विसर्ग संधि का प्रयोग हिंदी में भी पढ़ा जाता है। और जिस तरह संस्कृत ने जन्म दिया हिंदी को और हिंदी से जन्म लिया है छत्तीसगढ़ी ने, तो छत्तीसगढ़ी के अंदर भी हिंदी में ही प्रयोग होने वाले संधि को हम लेकर चलेंगे। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर वर्णाक्षर परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए वर्णाक्षर के परिवर्तन होने की वजह से शब्द का यहाँ अपभ्रंशित स्वरूप देखने को मिलता है। संयुक्ताक्षर टूट जाते हैं, वर्ण अक्षर पृथक हो जाते हैं, इसलिए आवश्यकता के अनुसार जहाँ छत्तीसगढ़ी के अपभ्रंशित रूप मान्य है उनका उत्तर वही लिया जाएगा। लेकिन यदि जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है तो हिंदी की तरह ही यहाँ उत्तर जो है वो मान्य होंगे। सबसे पहला प्रश्न कहता है संधि से, कहत है कि संधि होगी, ऑप्शन ए कहत है, ऑप्शन बी कहत है, ऑप्शन सी कहथस, और ऑप्शन डी कहथे। छत्तीसगढ़ी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ जिस तरह मैंने भी बताया कि भाषाओं का प्रभाव है, बोलियों का प्रभाव है, तो जो पूर्वी लरिया है, इस पूर्वी लरिया के अनुसार देखा जाए तो पूर्वी लरिया में क्या होता है कि किसी शब्द का अंत त है और होने वाली संधि का शब्द ह है, तो दोनों मिलकर थ में बदल जाता है। इसलिए क
कहत है से कहते बन जाता है, खात है से खाते बन जाता है, जात हौ से जाथौ बन जाता है। खलताही के अनुसार यह जो पश्चिम की तरफ से खलताही है, इस खलताही में त का प्रयोग जो है वो थ में बदल दिया जाता है और इस ह का प्रयोग मतलब लुप्त कर दिया जाता है, इसलिए जात हस से जाथस बन जाता है, खात हस से खाथस बन जाता है और यही प्रभाव सरगुजिया में भी देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर यदि बात कही जाए तो कहत है कि संधि क्या होगी, तो ध्यान रखेंगे कि त और ह मिलके जब थ में परिवर्तित हो जाते हैं तो जिस तरह ह में मात्रा होगी वैसे थ में मात्रा उच्चारित होगा। जात हौ से जाथौ, जात हस से जाथस, खात है से खाते, इसलिए कहत है कि संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी कहते। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, पुष्पावली की संधि पहचानिए। अगला क्वेश्चन है पुष्पावली की संधि पहचानिए। तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पूरी तरह से हिंदी भाषा की तरह होंगे। ठीक है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प धन आवली होगा, पुष्प धन आवली कहने से पुष्पावली बनेगी, यानी पहले शब्द का अंत है अ, दूसरे शब्द की शुरुआत भी है अ और दो स्वरों के मिलने से यदि स्वर में कोई विकार उत्पन्न हो तो वह स्वर संधि कहलाता है, इसलिए पुष्पावली की संधि स्वर व्यंजन विसर्ग और कोई नहीं में से ऑप्शन नंबर ए है कि पुष्पावली में स्वर संधि है। अगला आता है प्रश्न आपका, हवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हो धन अन, ऑप्शन बी है हु धन मन, ऑप्शन सी है हो धन मन, ऑप्शन डी है हम धन मन। तो हम धन मन की संधि तो बहुवचन के लिए हमन बनता है, इसी प्रकार हु धन मन से हुमन कहते हैं, छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत हवन को हुमन के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन देखा जाए तो हु धन मन जैसा कोई संधि विच्छेद नहीं है, हो धन मन भी नहीं है, यह है अयादि स्वर संधि। जिस तरह अयादि स्वर संधि में पो धन अन से बनता है पवन, यानी कि प से ओ की मात्रा हटाई गई, ठीक है, और यहां से अन लिया गया, जब इस ओ और अ को देखा तो इसने अव का निर्माण किया, यहां पर प बचा यहां पर न बचा। उसी तरह यदि हम यहां पर हो को लेकर चलते हैं, हो धन अन कहते हैं, तो हो का ओ, ठीक है, और अन का अ, इस दोनों ने बनाया अव, तो हो धन अन हवन, जिस तरह भो धन अन भवन, पो धन अन पवन बनता है, वैसे ही हो धन अन से बनता है हवन, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, गावथन की संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए है गावत थन, ऑप्शन बी है गावत हन, ऑप्शन सी है गावत न, ऑप्शन डी है गावत न। अभी मैंने बताया लरिया खलटाही और सरगुजिया के प्रभाव से जब इस त के बाद ह आता है तो दोनों मिलकर थ में बदल जाता है, इस तरह गावथन कहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गावत हन। जावत हन से जावथन हो जाता है, करत हस से करथस बन जाता है, तो गावत हन का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ी में गावथन के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ समास से। ठीक है, समास, आखिर ये समास क्या होते हैं, तो शब्द पदों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया कहलाती है समास, जिस समास में पहला और द्वितीय शब्द पद एक नए शब्द पद का निर्माण करते हैं तो उस संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। पहले प्रयोग होने वाला शब्द पूर्व का पद कहलाता है और बाद में प्रयोग होने वाला शब्द पद को उत्तर या पर पद कहा जाता है। ठीक है, और इसी पदों को विग्रह करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। पहला प्रश्न है छन छन शब्द में समास की पहचान कीजिए।
लीजिए। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीही समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। इसके अतिरिक्त दो समास और होते हैं, एक होता है द्विगु और एक होता है कर्मधारय समास। सबसे पहले चलते हैं हम इस द्वंद्व समास को पहचानने के लिए। जिस समासिक पद रचना में दोनों पद की प्रधानता हो, ऐसे शब्द जो विपरीतार्थक लिंग, विपरीतार्थक शब्द या हमेशा जोड़े में आने वाले शब्द हो, जिसमें योजक चिन्ह को हटाकर संयोजक शब्दों के प्रयोग किए जाएं, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के तीन प्रकार हैं, समाहार, वैकल्पिक और इतरेतर। इतने अंदर वो जाता नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे जहां दोनों पद में किसी समूह का बोध हो वो समाहार, विपरीत लिंग या विपरीत शब्द जहां एक को चुना जाए वहां वैकल्पिक होगा, और जहां पर दोनों पद प्रधानता है जहां पर समाहार द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला, जिस समास में प्रथम शब्द पद द्वितीय शब्द पद के साथ मिलकर किसी तृतीय अन्य पद की प्रधानता बताए, कोई अद्वितीय व्यक्तित्व, किसी को दी गई उपाधि, प्राकृतिक तत्व या ऐसा जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, विशेष पहचान है, वह बहुव्रीही समास कहलाता है। जिस समास में पहला शब्द पद दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित करता है और समस्त पद में कारक विभक्तियां लुप्त हो, लेकिन जब वो विभक्ति के तौर पर प्राप्ति हो जाती है विग्रह के समय, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इस तरह छह तत्पुरुष समास होते हैं। प्रश्न ने क्या पूछा है, छन छन शब्द में समास की पहचान कीजिए, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। और यह क्या होता है, जिस समास का पहला शब्द पद अव्यय प्रधान हो, या ऐसा शब्द जो अविकारी शब्द से निर्मित हो, या जिस समास का पहला शब्द उपसर्ग से बना हुआ एक अविकारी शब्द बनाए, या एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति एक योजक चिन्ह के द्वारा हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। क्षण क्षण कहता है तो क्षण क्षण का एक अपभ्रंशित रूप है, हर एक क्षण कहेंगे, यानी कि यहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, और अव्ययी भाव समास की पहचान है कि इस योजक के बदले हम ही का प्रयोग करते हैं, क्षण ही क्षण, घर ही घर, मन ही मन कहते हैं, तो जथाशक्ति, जथाविधि, प्रतिदिन, प्रतिपल जैसा शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण होगा, यानी कि संबंध सूचक अव्यय और क्रिया विशेषण के उदाहरण हमारे लिए अव्ययी भाव समास के उदाहरण बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, ढेकी कुरिया शब्द में समास की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी है अपादान तत्पुरुष। जब समासिक पद रचना में पहला शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को सुनिश्चित करता है और उस अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए विग्रह करते समय कारक विभक्तियों की प्राप्ति हो, तो ऐसा समास तत्पुरुष समास कहलाता है। यदि उसमें कारक रचना छत्तीसगढ़ी का ला और का मिला तो कर्म तत्पुरुष होगा, ले और से मिला तो करण तत्पुरुष होगा, बर खातिर मिला तो संप्रदान तत्पुरुष होगा, ले और से मिला तो अपादान तत्पुरुष होगा, इसी प्रकार कर और के मिला तो संबंध तत्पुरुष और मा मे और करा मिलेगा तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। ढेकी कुरिया कहता है तो इसका अर्थ होता है ढेकी बर कुरिया, इसी प्रकार जेब खर्च कहता है तो जेब बर खर्च, टरेन भाड़ा कहता है तो टरेन बर भाड़ा, यानी कि यहाँ पर है हमारे लिए संप्रदान तत्पुरुष समास, मतलब कुरिया की आवश्यकता किसके लिए है, ढेकी को रखने के लिए है, इसलिए जब ढेकी कुरिया कहता है तो वहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आते हैं अगले प्रश्न में, डेढ़सास शब्द में समास पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी है बहुव्रीही, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। जिस समास का पहला शब्द दूसरे शब्द पद की विशेषता बताए, या तो वो उपमेय उपमान होकर,
या वो हमारे लिए विशेषण विशेष्य होकर या वो हमारे लिए रूपक की तरह एक ही स्वरूप का हो, लेकिन गुण विशेष की बात यदि की जाए तो वहां होता है कर्मधारय समास। बड़े दई, बड़े ददा, कूरा ससुर यदि कहता है, पनघट कहता है, लमचोची कहता है, तो सब हमारे लिए कर्मधारय समास है। तो डेढ़ सास शब्द में ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है। डेढ़ सास मतलब सास से बड़ी यदि हम कहते हैं तो डेढ़ सास, यानी पति की बड़ी बहन को छत्तीसगढ़ में डेढ़ सास कहा जाता है, जो विशेषता है कि वह पति की बड़ी बहन है, इसलिए डेढ़ सास में कर्मधारय समास है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोर बटमार में प्रयुक्त समास की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास और ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। जिस समास में विशेषण विशेष्य है वो है कर्मधारय। जिस समास में पहला शब्द न्यूमेरिकल्स है, पहला शब्द संख्यावाची है और समूह मिलकर मतलब समस्त पद मिलकर किसी समूह को बताते हैं तो द्विगु समास है और तृतीय पद की प्रधानता बहुव्रीहि समास है। लेकिन जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो तो छत्तीसगढ़ी में चोर डाकू को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चोर बटमार कहते हैं। बटमार यानी कि डाकू, ठीक है। तो चोर बटमार कहा तो यहां पर हाइफन नहीं है। आपके एक पहचान है कि द्वंद्व तो वहां होंगे जहां पर दोनों शब्दों के बीच में एक योजक हो। जरूरी नहीं है कि हर द्वंद्व समास में एक योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है। तो चोर बटमार कहता है तो चोर और डाकू कहकर यह हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास का उदाहरण बनाता है, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। चौमास में समास पहचानिए। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास, ठीक है। अभी मैंने बताया जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो, जैसे कि पंचरतन, ठीक है, जैसे कि पंचवटी, जिस समास का पहला शब्द न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स होकर अगर ये पूर्ण पद किसी समूह या समाहार की बात करे तो चौमास मतलब कि चम्मास या चौमासा कहकर चार महीने का समूह कहके यह हमारे लिए द्विगु समास का उदाहरण बनाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। चुमिक चुआ में समास पहचानिए। फिर से आपके दिमाग का कंफ्यूजन। अब तो यहाँ पर्टिकुलर हमें दो शब्द दिख रहे हैं जो एक योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो नहीं में नहीं इसे होना चाहिए द्वंद्व समास। क्या यह द्विगु है, क्या यह बहुव्रीहि है, क्या यह कर्मधारय है? तो ध्यान से समझिएगा, जब उसने कहा था छन छन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चुमिक चुमा, ठीक है। एक उदाहरण और लिख देते हैं, जैसे कि संझा बिहनिया, ठीक है। तो इन तीन एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है और क्या है कि दो शब्द पद हैं और दोनों शब्द पदों के बीच में एक योजक चिन्ह जुड़ा है, परंतु ये तीन अलग अलग उदाहरण है। जिस समास में अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति एक योजक चिन्ह से हो वहां होता है अव्ययी भाव समास, छन ही छन। जिस समास में दो अलग शब्द पद एक योजक चिन्ह से जुड़ा हो, चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो समाहार हो, चाहे वो इतरेतर हो, चाहे शब्द विपरीत लिंग के हो, विपरीतार्थक शब्द हो या जोड़े में होने वाले हो, जहां दोनों पद की प्रधानता है वो है हमारे लिए द्वंद्व समास। लेकिन जब वह एग्जाम्पल लेता है, जब वह एग्जाम्पल लेता है हमारे लिए चुमिक चुमा, तब यह एक ऐसा शब्द बनाता है जो व्यवहार में लेन देन की प्रक्रिया बनाता है। यानी कि व्यवहार में लेन देन की प्रक्रिया कब बनाता है, जब वह चुमिक चुमा कहता है तो एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति होकर भी यदि वह पदकृति तृतीय पद की पहचान बताए तो वहां होता है बहुव्रीहि समास। क्योंकि यह बहुव्रीहि समास कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। जब दोनों पदों के बीच एक ही कारक विभक्ति हो, जिस पर दोनों पदों का समान अधिकार है तो समानाधिकरण होगा। जब समस्त पदों के मध्य दोनों पदों में अलग अलग कारक विभक्ति हो तो व्यधिकरण बहुव्रीहि होगा।
संख्या होकर यदि पहले पद दूसरे के साथ किसी अन्य की प्रधानता बताए तो संख्या बहुव्रीही होगा। उपसर्ग की तरह स जोड़कर किसी अन्य पद की पहचान बताए तो सह बहुव्रीही होगा। विशेषण विशेष्य की तरह यदि वो विशेषता बताकर किसी अन्य की पहचान बताए जहां मध्यम पद लुप्त हो जाए तो मध्यम पद लोपी होगा। उसी तरह यदि किसी अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति हो और अगर वो अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति किसी अन्य पद व्यवहार में लेने देने की प्रक्रिया की तरह हो तो व्यतिहार बहुव्रीही होता है। चुमिक चुमा, पटकिक पटका, दना दन, भका भक, बोजिक बोजा, ढकेलिक ढकेला, ठीक है ना, केशा केशी, तना तनी, ये सब हमारे लिए बहुव्रीही समास के उदाहरण हैं और बहुव्रीही के अंदर ये व्यतिहार बहुव्रीही है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रीति भोज हेतु छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द है। ऑप्शन ए जेवन भार, ऑप्शन बी डाण भार, ऑप्शन सी मया जेवन और ऑप्शन डी परघनी भात। ये मैंने एक क्वेश्चन इसलिए डाला है, जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया तो कहीं भी यह मेंशन नहीं था कि प्रशासनिक शब्द को हटाया गया है। बहुत से बच्चों ने ये सोचा कि चूंकि पाठ्यक्रम में मेंशन नहीं है इसलिए इसे हटा दिया गया, लेकिन यदि आप सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहां एक प्रश्न ऐड किया है जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा गया है, जिसके अंदर वो प्रशासनिक शब्दों को पूछता है। सीजीपीएससी प्री में हमेशा से प्रशासनिक शब्द और छत्तीसगढ़ी शब्द कोश से कुछ ना कुछ प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको स्कीप ना करें। प्रशासनिक शब्द यानी छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रयोग होते हैं, जैसे आवेदन, अर्जी, छुट्टी, स्थानांतरण, ऐसे सारे शब्द प्रशासनिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, शब्दकोश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी के वो सारे शब्द आते हैं जो खाने पीने की वस्तुएं, अनाज, शरीर के अंगों के नाम, रिश्ते नाते, सगे संबंध, पशु पक्षी प्राणी, हर एक वस्तु या हर एक तत्व का यदि वो नाम बताता है, मौसम के नाम बताता है, दिन महीनों के नाम बताता है, तो सब छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रश्न पूछ सकता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, वैसे प्रश्न पूछ सकता है लेवना क्या है, तो लेवना छत्तीसगढ़ी में मक्खन को कहते हैं, वो शब्दकोश से था। यहाँ प्रशासनिक शब्दकोश से पूछा है कि प्रीति भोज है तो छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द क्या है। जेवन भात कहें तो जेवन का मतलब महाराष्ट्र के जेवन से प्रभावित है। जेवन पाइजे का यदि कहता है कि तुमने खाना खाया क्या, तो जेवन भात यानी भोजन से संबंधित हुआ। डाढ़ भात यहाँ समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाने पर जुर्माने के तौर पर यदि भोज कराया जाता है तो डाढ़ भात कहते हैं। परघनी भात विवाह के समय में कराया जाने वाला भोज होता है, लेकिन प्रीति भोज के लिए मया जेवन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आज के वीडियो में पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा के FTR पार्ट टू में मैंने विकारी अविकारी संधि और समास को पूरा कराया। इस तरह हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में ज्यादा प्रश्न लेकर हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से, उन सब को लेकर मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है। मेरी यह एक छोटी सी कोशिश है ताकि सी सेट में यदि आप किसी प्रश्न पर भटकाव महसूस करें तो एक दफा आप उस छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा के प्रश्न की ओर जरूर ध्यान लगाएं। हो सकता है पूछे जाने वाले प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे हो जो पूर्ण तरह सहमत होकर आपको पूर्णता के रूप में अंक प्रदान करने में सहायक हो, तो इसी तरह ध्यान लगाकर पढ़ते रहें। आने वाले परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़िए, सीजीपीएससी प्री क्लियर कीजिए और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भाषा पर विशेष केंद्रीय होकर पढ़ने की कोशिश करें। तब तक मेरे सभी बच्चों को थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।